So before I could actually start telling you कि how this car is to drive and actually कितना मजा आने वाला है गाड़ी चलाने को और मैं गाड़ी को खींचूं रिस्की चलाऊं अपनी जान को जोखिम में डालूं और बहुत पागल की तरह ड्राइव करूं और actually इसको I should push this car to its limits. Please subscribe to my channel because it takes a lot and now we are moving with this goal कि by the end of 2020 we have to reach 1 lakh subscribers. Please give your feedbacks. गालियां में निकाल लेना but please constructive criticism दिया करो यार. गालियां में ना मुझे पता नहीं लगता है अगली प्रॉब्लम क्या है. तो प्लीज गिव योर फीडबैक. व्हाट डू यू वांट अस मोर टू डू. व्हाट डू यू वांट हमें क्या क्या और कवर करना चाहिए. किन किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए. किन किन खामियों पे वर्क करना चाहिए. सो दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. प्लीज गिव अस फीडबैक एंड प्लीज हेल्प अस मेक अ रीचर गोल. ओनली देन इफ यू सब्सक्राइब दैट बटन राइट नाउ तभी मैं आगे गाड़ी गंदी चलाऊंगा. ये सही था यार. Honestly, we cannot differentiate कि right वाला सच में analog और सच भाई कि physical सुई है और left वाला digital है. इतनी cleanly मैं दोबारा करता हूँ. This is so beautiful. क्या बात. इसका भी अपना ही मजा. Very first, very small criticism. तो मुझे लग रहा है मैं drive से खुश होने वाला हूँ because मैं काफ़ी comfortable चला भी रहा हूँ. ये screen पे बहुत ज़्यादा glare पड़ रहा है और मुझे read करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है. कैमरा भी जब मैं देख रहा था जब पीछे मैन्यूवर कर रहे थे हम जब गाड़ी निकाल भी रहे थे डीलरशिप से तो भी इसका मतलब कैमरा भी नहीं दिख रहा था. और ये चीज़ काफ़ी गाड़ियों में आती है. अब मैंने सियाज में यहाँ पर कंपनी फील्ड कैमरा लगाया हुआ उसके अंदर भी मैं सिर्फ ग्लेयर हटाने के लिए रिवर्स करने के लिए ऊपर नीचे शीशा करके ऐसे मोड पर करता हूँ जहाँ पर ग्लेयर ना पड़े. सो दिस इज क्रीपिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर. पैडल शिफ्टर भी हैं सबसे बड़ी बात. एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी हैंडी. स्टेयरिंग इज वेरी गुड. इट इज़ अवेलेबल फॉर रेक एंड रीच बोथ. एंड मैं सबसे नीचे रखता हूँ. आई एम सिटिंग ऑन द लोएस्ट सेट. सो नाउ लेट्स गिव फुल थ्रॉटल एंड इट पिक्स अप. क्या आवाज है गाड़ी. ओहो इट रेव स्टिल 6500 आरपीएम ऑन डी मोड. रीच 100 115. क्या आवाज है. यू नो सबसे अच्छी बात क्या लगी मेरे को. द रीज़न आई एम सो हैप्पी कि मेरे को CVT ही मिली है अभी बिकॉज क्योंकि मेरे घर पे भी जो मेरे मामाजी वाली CVT है उसको चला के एक ड्राइवर फील वाली मज़ा नहीं आता बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट है और मुझे कभी भी उसमें अचानक ही ज़्यादा रेस दे तो ऐसा लगता है कि शोर आ रहा है. बट मतलब कि इट्स लाइक कि आप रेस दे रहे हो तो रेव्स बढ़ रही हैं बट टायर्स पर वो पावर नहीं पहुँच रही. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस और जब आप रेस दे रहे हो तो अचानक वो पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रही आपके मूवमेंट में. बट इसमें वो चीज़ काफ़ी कम है. थोड़ी सी है 20-30% 20-30% है बट उसके अलावा बहुत कम है. द मोमेंट आई गिव अ थ्रॉटल और गाड़ी वो पिकअप लेती है. पहले तो काफ़ी रिफाइंड है पिछली वाली तो अब ये सिर्फ शोर कर रही है जो भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. बड़ा पैपी सा नोट है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ड्राइव अ मैनुअल ऑल्सो. क्या बात है. इसकी इंजन की आवाज़ ऐसी है जिसको आपको सुन के मज़ा आता है. एक सेकेंड मैं ब्लोअर कम कर रहा हूँ ताकि उसका शोर ना आए कैमरा में. इंजन की वजह से जिसको रेव करके मज़ा आता है नहीं तो अदरवाइज आप गाड़ी को इसलिए नहीं रेव करते हो बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट रेविंग योर कार इवन इफ द इंजन इज नाइस इफ एवरीथिंग इज नाइस अगर NVH लेवल्स अच्छे नहीं है ना गाड़ी में वाइब्रेशन आती है या रादर देन द इंजन नोट ऑफ द साइलेंसर अगर आपको इंजन की वाइब्रेशन का शोर आने लग जाता है तो आपको लगता है नहीं 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 यार ये गाड़ी में गलत चला रहा हूँ आराम से चलाओ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप होंडा सिटी का ये ID Tech ले लो. इस वाले का ID Tech मैंने नहीं चलाया. जो पिछली वाली होंडा सिटी है उसका ID Tech ले लो. द मोमेंट यू रेव इट अ लिटिल मोर हार्ड वो शोर करने लग जाएगी. वो ऐसा लगेगा कि नहीं 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 यार जल्दी से गियर अपशिफ्ट करो. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. लिटरली रेव इट टू 6500 RPM एंड देर आर वेरी लेस कार्स दैट अलाउ यू टू डू दैट विदाउट गिविंग यू एनी फेयर कि नहीं 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 कुछ खराब हो जाएगा. बिकॉज 90% इंडियंस को हमें यही लगता रहता है नहीं यार कि रेस थोड़ी सी ज़्यादा तो गाड़ी खराब हो जाएगी हम गंदी तरीके से चला रहे हैं. बट इसमें पूरा थ्रॉटल देखे मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा और बहुत मज़ा आया. तो आई यूज़ द पेडल शिफ्टर. आई वाज़ ऑन 7th. इट शोज 7th. आई एम ऑन 4th नाउ. आई फील यार कि जितनी भी CVT वाली गाड़ियाँ हैं इवन फॉर्च्यूनर हो गई या इवन ये भी हो गई मुझे नहीं लगता यार कि उसमें पेडल शिफ्टर का इतना फ़ायदा है. पैडल शिफ्टर का असली मज़ा DSG के साथ आता है जिसके अंदर एक्चुअली गियर शिफ्ट होता है. बट आई थिंक DSG विद पैडल शिफ्टर बहुत कम गाड़ियाँ हैं बहुत हाई लेवल पर जाके वो गाड़ी आती है. नीचे वाले जितने भी DSG वाली गाड़ियों के अंदर पैडल शिफ्टर नहीं है. बट दैट इज़ वेयर द रियल फन कम फॉर द पैडल शिफ्टर. CVT में ऐसा लगता है कि आप आर्टिफिशियल गियर चेंजेस कर रहे हो बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज भी वो यही होता है.
Now this Honda City feels very stable around 120 and 130. I know I should not be doing these speeds. I am over speeding. 120 से ऊपर illegal है. But पिछली Honda City और इस Honda City में ये difference मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जानना. Because पिछली Honda City कहीं ना कहीं 115-120 के बाद अनस्टेबल सी फील होने लग जाती है. ऐसा लगता है कि वो हवा खा रही है. ऐसा लगता है यार कि उसकी सॉफ्ट सस्पेंशन या उसकी कहीं ना कहीं मे बी मतलब ये उससे बहुत बेटर है. उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं लगता, डर लगता है. मैंने पिछली Honda City भी जब 150-160 पे चलाई थी आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई स्टार्टेड ड्राइविंग अदर कार्स आई रियलाइज कि नहीं यार कि इट वॉज वेरी रिस्की ड्राइविंग Honda City at 140, 150 or 160. ऑन अ लाइट फुट आई एम एट 100 एट 2000 RPM. क्या बात है, व्हाट क्या ब्रेक्स है यार. फिर भी यार अब मेरे को वो अब जो रबर बैंड इफेक्ट है थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, पिछली वाले के कंपैरेटिवली बहुत कम है. इट्स लाइक आई एम मिसिंग द मैनुअल वन है. मेरा मन करे काश मैनुअल गाड़ी ड्राइव करवा था. क्या बात है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा और शार्प हो गया है. अब गाड़ी ज़्यादा क्या नाम है जल्दी गियर छोटे कर लेती है. थोड़ी स्पीड कम होने पे इट कम्स इन द लोअर गियर्स. इट इज डेफिनेटली नॉट इन द क्लास ऑफ अ वेंटो और से रैपिड. अभी नहीं चलाई मैंने, नई वाली सस्पेंशन देखनी पड़ेगी. बट दिस इज मोर सॉफ्टली स्प्रंग एंड हेंस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है. बट यार मुझे लग रहा है कि इसके टायर चौड़े होने चाहिए एट 185. अब जैसे मैंने कट काटा सो द वे इट मूव्ड एंड द वे इट बाउंस्ड That felt a little bit less confidence inspiring. So I'm at 120, let me brake. The bite was very good. I'm in sport mode. पूरी throttle देने में भी आपको यार वो feel नहीं है कि you are pushed to your seats. ये ऐसा कुछ नहीं, बट ये कि द वे द इंजन इज रिस्पॉन्डिंग द वे द उसकी जैसे नोट की आवाज़ वो आपको इतने कनेक्टेड फील कराते हैं कि नहीं यार कि विद एवरी स्लाइट मूवमेंट ऑफ योर फुट इंजन इज मतलब इट्स लाइक टोटली जैसे वो कहते हैं ना जैसे घोड़े की हमने लीश पकड़ी हो थोड़े से भी उस पर इट जस्ट रिस्पॉन्ड सो क्विकर. फिर भी मेरे को अगर मैं बात करूँ कि 120-130 के में मैं कट काटने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हूँ ऐसा नहीं है. वेंटो वगैरह गाड़ियाँ इस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है. सियाज से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, सियाज से ये बेटर ही है इस चीज़ में. बट मुझे ये लगता है कि होंडा सिटी अप टिल 120 बहुत परफेक्ट कार है. जैसे सियाज में 140-150-160 तक भी ले जाता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि 120-130 के बाद ना बैठ गई है बिल्कुल. और ये मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है, इवन वेंटो भी होगी वो भी ऐसा लगता है कि बैठ गई है. होंडा सिटी में ऐसा लगता है कि 120-130 के ऊपर वो कहते हैं कि नहीं यार कि मेरे को इससे नीचे ही रखो, इतनी ज़्यादा स्पीड पर ना लेकर जाओ. और इसकी मुझे ग्राउंड क्लियरेंस भी ऐसा लग रहा है कि पिछली होंडा सिटी से शायद ज़्यादा है. इधर या तो नंबर सेम होंगे बट ये मुझे उठी उठी से ज़्यादा लग रही है. लेट्स सी. आओ 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 आओ. सो द बम्प ज़्यादा ही बड़ा था. चलो यही चेक करना था. पता बात वही है कि इसके टायर्स शायद और बड़े होते तो ये और ज़्यादा कंप्लाइंट होती. बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि दिस इज़ नॉट मेंट टू बी द बॉडी इज़ नॉट मेंट टू बी ड्रिवन इन अ रफ मैनर कि आप ख़राब सड़कों से लेकर जाओ. द इंजन इज़ डेफिनेटली मेंट टू बी रेव्ड एज द वे यू लाइक. एंड आई थिंक जो मैनुअल वाला उसके अंदर तो हमें वीटा किक भी फील हो सकती है. सीवीटी में वो नहीं फील हो रहा. सीवीटी में देयर इज़ अ लीनियर सर्च. लेट मी चेक. अब सी अब नॉर्मल अगर मैं किसी और कार में होता, अगर वेंटो में होता है किसी और ड्राइवर सेंट्रिक कार में होता तो इतनी स्पेस के अंदर से मैं गाड़ी निकाल लेता आराम से. मैंने बहुत बार निकाली भी है. बट इन दिस कार मुझे डर लग रहा था. मुझे लग रहा था नहीं ये शायद ऑफ बैलेंस हो जाएगी, नहीं या शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है. सो आई डिड नॉट मतलब कोइंसिडेंटली मेरा नहीं मन करा कि मैं वहाँ से निकालूँ. मुझे डर लगा कि नहीं यार कि इट कैन गो हेवायर या कुछ ऑफ बैलेंस हो सकता है. सो आई थिंक इट्स प्रीटी ओके टू कंसिडर कि दिस कार इज मेंट टू बी ड्रिवन अंटिल 120 एंड उसके ज़्यादा हाई स्पीड पर लेके जाने के लिए गाड़ी नहीं है. एंड दैट्स टोटली ओके. आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटी बायर्स हु बाय इट फॉर कंफर्ट लग्जरी एंड फीलिंग उस सबके लिए 120 तक बहुत बढ़िया है. बट एक क्लास है एंथुजियास्ट की जो इस गाड़ी को बहुत पागलों की तरह भगाते हैं, जिन्होंने सेकेंड जनरेशन बहुत भगाई है, थर्ड जनरेशन बहुत भगाई है. तो आई थिंक उनके लिए बहुत हाई स्पीड पर गाड़ी लेके जाना या
या अगर हम हाईवे रन्स पर बहुत ज़्यादा फास्ट चलना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई एम अगेन इनटू रैबिट हार्ट, इट्स इन स्पोर्ट मोड। तो क्या बात, इस सीवीटी वाले में मेरे को कोई एक्स्ट्रा रेव किक नहीं फील हो रहा 4 या 5 हज़ार RPM के बाद। इट्स लाइक रेविंग टू हार्ड इट बिकॉज इट्स इन स्पोर्ट मोड। बहुत शोर है, नंबर 140, 143, एंड आई एम टोटली नॉट कॉन्फिडेंट। मेरे को डर लग रहा है इस स्पीड पे, जो नॉर्मली मेरे को नहीं लगता। सो दैट इज वेयर द डाउन साइड इज, एंड दैट्स टोटली ओके बिकॉज वी कैन टोटली कंसिडर इसकी इस चीज़ों के लिए नहीं बनी, एंड दैट्स टोटली ओके। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको आराम से चलाऊँ, इसको स्पोर्ट से डी में करूँ। ऐसा लग रहा थोड़ा सा शांत हो गया इंजन। आई थिंक द मैनुअल वन वुड बी मच मोर ड्राइव हैप्पी। और ना एक बात यार, ये मेरी मेरे को बड़ी वो लगती है कि अगर हम IVTECs को और TSI इंजन्स हैं जो Volkswagen के या Germans के, अगर हम उनको कंपेयर करें, हम कहते हैं यार कि IVTEC में जो जितनी किक है वो 5000 के बाद आती है। 5000 के बाद देर इज़ अ सडन बूस्ट ऑफ पावर एंड यू कैन एक्चुअली ड्रैग इट बियॉन्ड दैट। बट आज तक मैंने भी जब भी होंडा सिटी चलाई है, जितने लोगों ने भी चलाई है, जितने लोग IVTEC इंजन ड्राइव भी करते हैं, आई डोंट थिंक कि 80-90% लोगों को पता है। आई थिंक काफ़ी लोगों को, तो फैजल खान ने बताया, 80-90% लोगों को पता है कि एक्चुअली VTEC का फ़ायदा क्या है और VTEC कब किक इन करता है। बिकॉज मैक्सिमम इंडियंस लाइक टू ड्राइव देयर कार्स एट लोअर RPM, दे लाइक टू ड्राइव देयर कार्स स्मूथ, दे लाइक टू ड्राइव देयर कार्स इन एन ईजी एंड रिलैक्स मैनर। अगर कोई बंदा फास्ट भी चलाने की ट्राई करता है, इवन इन इंडिया, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इवन कंसिडरिंग मी माई सेल्फ, आई वुड ट्राई टू अपशिफ्ट अ लॉट अर्लियर देन रेड लाइन। इवन इफ आई एम ड्राइविंग अ डीजल और आई एम ड्राइविंग अ पेट्रोल, अ लॉट ऑफ टाइम आई डोंट स्ट्रेच द कार टू द रेड लाइन। आई वुड ऑलवेज ट्राई यार कि मैं रैश चला लूँ, बट मैं इंजन को इतना बॉयल या इतना हीट अप ना करूँ। जबकि हमारे इंजन जितने हैं वो इस चीज़ के लिए, जब तक रेड लाइन पे नहीं जा रहे तब तक के लिए वो रेडी होते हैं। बट फिर भी एक सबकॉन्शियस हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि हमने गाड़ी को ज़्यादा रेव नहीं करना। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली VTEC का फ़ायदा क्या है। इसलिए जो लोग अच्छी ड्राइवर कार्स भी चलाना चाहते हैं, तो जब उनको एक टर्बो पावर्ड कार मिलती है, जैसे TSI इंजन है, टर्बो पेट्रोल, अब तो ऑलमोस्ट एवरी कार इज कमिंग विद अ टर्बो पेट्रोल इंजन। तो टर्बो पेट्रोल इंजन का क्या सीन है कि वो 2000 या 2500 RPM या 1700 RPM के बाद टर्बो किक इन कर जाता है। सो यू गेट दैट फील एंड यू गेट दैट रश वेरी अर्ली डाउन ऑन द रेव रेंज, एंड दैट रेव रेंज इज वेयर यू एक्चुअली नॉर्मली ड्राइव योर कार इन। सो उसका ये नुकसान जरूर है कि उसकी स्टार्टिंग जब तक टर्बो नहीं किक इन करता, तो क्योंकि छोटा कम डिस्प्लेसमेंट का कम सीसी का इंजन होता है, तो अच्छे से पावर नहीं खींच पाते। बट एटलीस्ट आप 1500 जैसी क्रॉस करते हो, आपको पावर फील होने लग जाती है एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय दैट पावर। बट जितने VTEC ड्रिवन इंजन है या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं, या होंडा सिटी वाले लोग भी हैं, सिविक वाले लोग भी हैं, वो भी अपने IVTEC इंजन की फील उनकी इनिशियल पिकअप और लीनियर एक्सेलरेशन में ही लेते हैं। हाई एंड पावर रेंज में वो इतना VTEC का फ़ायदा नहीं ले पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम उसके लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। तो ये बहुत अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को स्पोर्ट्स में चलाने में खुद ही, अब मेरे को खुद पागलों की तरह गाड़ी चलाने की आदत है, अब मैं भी, मेरा भी मन है कि मैं स्पोर्ट्स से ड्राइव में ही चलाऊँ, बिकॉज इतना शोर, इतनी वाइब्रेशन, ऐसा फील हो रहा है। नो डाउट इट्स वेरी रिफाइंड, इट्स वेरी कम्फर्टेबल एज कम्पेयर टू इट्स काउंटर पार्ट, बट फिर भी बींग एन इंडियन, और जो भी कह लो कि हमें होता नहीं, नहीं आराम से गाड़ी चलानी है, क्योंकि ये लग रहा है कि बहुत गाड़ी स्ट्रेस बहुत ले रही है। जबकि दूसरी गाड़ियाँ 120-130 या जब भी आप कार पे आप रेस पिकअप करते हो, तो वो टर्बो वाला एरिया इतनी क्लीनली वो पिकअप करती है, गाड़ी कोई जोर नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। तो जब वो टर्बो से जो पावर आती है, वो पावर के साथ आपको आपकी गाड़ी के अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं आता। बट IVTEC में या नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में जब आप बहुत ज़्यादा रेव करते हो, तो हायर रेव रेंजेस में आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाती है, शोर बढ़ जाता है, तो आप वो पावर को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। दिस इज व्हाट आई हैव नोटेड, एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रेव टर्बोज मोर एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज अगर पहले तो मेरे अगर साथ को बैठा है वो तो वैसे ही मेरे को बोलेगा क्या चला रहा, तो पागल है, ये है वो है, कि इतना रेव क्यों कर रहा है। एंड नेक्स्ट, इवन आई फील लाइक यार कि नहीं, कि मैं गाड़ी को अपनी लिमिट तक लेके जा रहा हूँ। जबकि टर्बो इंजन्स को आप जब भी टर्बो की पावर यूज़ करते हो, यू फील दैट किक। एंड सबसे पहले वो स्विफ्ट में आई डीजल के साथ, काफ़ी देर तक तो डीजल नहीं टर्बो पावर थे अकेले, बाद में टर्बो पेट्रोल जाने लगे, तो उसके बाद अब वो आदत हो गई कि नहीं यार, इफ इट्स अ टर्बो ड्रिवन कार, देन यार लेट अस फील दैट किक, और यू आर शोव डाउन टू योर और पुश डाउन टू योर सीट्स, एंड देन यू टेक दैट फील ऑलमोस्ट विद एवरी गियर। But with naturally aspirated engines like IVTEC, definitely I am not talking in the levels of sports cars, but at least compared to this engine to any other turbo petrol engine, मेरे को वो kick feel करने के लिए जिस rev band तक जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके बहुत discomfort होने लगे थे। Other than that, I feel this is a very comfortable car to drive, not meant to push hard, maybe the manual one is, CVT one is totally not meant to push hard.
इट्स लाइक अभी आपको तेज चलानी है तो यू कैन डेफिनेटली मतलब चला कोई भी गाड़ी तेज चला सकते हो. द स्टेयरिंग इज फील्स मच मोर हैवियर. मुझे लगता है कि इसके अंदर इन्होंने फील दी हुई है, बट जो पिछला स्टेयरिंग है मुझे अभी भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. ना मुझे खराब सड़कों पर चला के देखने दो. तो इट्स स्लाइडिंग लिटिल बैक पीछे से. क्या बात है, बहुत आराम से चढ़ गई. तो ये अब सबसे बड़ा डिफरेंस नेक्स्ट वन. सो नाउ कमिंग टू द राइड एंड हैंडलिंग पार्ट. अगेन लेट मी टेक इट अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोड. ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बहुत बेटर है, नहीं तो थोड़ा सा डिफरेंस भी है अगर ऊपर पेव्ड सड़क पे या नीचे. एक सेकंड. अब ऐसे कट्स के लिए अगर पिछली सिटी होती उसका स्टीयरिंग में बहुत इजीली मूव कर पाता, बट ये उससे थोड़ा ज़्यादा हैवी लगता है. इन्होंने आई थिंक इसको ज़्यादा फील देने के लिए, जैसे लोगों ने कहा होगा कि यार सिटी का स्टीयरिंग बहुत हल्का है, बट आई थिंक देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद होंडा सिटी स्टीयरिंग. एवरीथिंग वॉज सो गुड अबाउट इट. आई लव अ स्टीयरिंग दैट इज़ वेरी लाइट टू ड्राइव एंड दैट इज़ वेरी प्रिसाइज एंड दैट इज ऑल व्हाट आई वॉन्ट. मुझे आर्टिफिशियली वेट दे के स्टीयरिंग हमेशा ऐसा लगता है कि गंद डाल दिया यार इन्होंने, बट दिस वन इज लाइक अ वेरी गुड बैलेंस बिकॉज इन्होंने बहुत थोड़ा सा वेट ज़्यादा बढ़ाया है. फिर भी आई वुड से दैट द प्रीवियस सिटी स्टीयरिंग वॉज मच बेटर. अब ऐसी ये सब करते हुए मैं पिछली सिटी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता. ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मुझे बेटर लग रही है. आई एम नॉट श्योर विद द नंबर्स बट इट्स टोटली मच बेटर, क्योंकि अगर पिछली सिटी होती वो काफ़ी एरिया पे ऐसी स्क्रेप कर चुकी होती. दूसरी बात जो जो पिछली सिटी में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि जब भी आप ख़राब सड़कों से निकलते थे आपको लगता था यार कि आपके मैं स्पीड पिकअप कर रहा हूँ ख़राब सड़कों में. अब द वे द बम्प्स आर ट्रांसफर टू द बॉडी, द वे द बम्प्स आर ट्रांसफर टू यू, इट फील्स लाइक अ मच मोर सॉलिड एंड कंप्लायंट कार. लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोड ऑन हायर स्पीड सो दैट ज़्यादा अच्छे से पता लग जाए. बट पिछली सिटी में ऐसा लगता था कि आपके 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 बीच में और सड़क के बीच में बहुत पतली सी सीट है और ये लगता था यार कि नीचे बहुत कच्चा है, कि कुछ अगर ज़रा सा लगे तो पता नहीं नीचे से कुछ टूट ना जाए. बट दे हैव रियली वर्कड ऑन द बिल्ड क्वालिटी. नाउ दे हैव यूज 20% मोर स्ट्रॉन्गर स्टील विच इज़ मोर रिजिड. डेफिनेटली इट विल बी लिटिल लाइटर बट स्टिल इट इज़ मोर रिजिड एंड आई कैन फील दैट दिस कार इज अ मच मोर सॉलिड कार. पिछली होंडा सिटी से ये फील जरूर आती थी कि वैसा लगता था कि काफ़ी हल्की है, कहीं लग गई तो टूट जाएगी, नीचे से कुछ लग गया तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, कि बहुत फ्रेजाइल है. बट ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रही. खराब सड़कों से निकलने में भी जो थर्ड इसकी फील होती है, जो आपको बम्प्स ट्रैवल करता है आपकी बॉडी तक, या कुछ भी समझ लो यार कि हाउ यू फील गोइंग अबाउट रफ रोड्स, उसका जमीन आसमान का डिफरेंस है. और वो होंडा सिटी में बहुत कमज़ोर था. आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार कि दिस कार इज नॉट, कि जितनी क्वालिटी और टच में और प्रीमियम लग रही है उतनी सॉलिडली बिल्ट नहीं है. बट अब इसके साथ वो ऐसा नहीं फील हो रहा. लेट मी ट्राई वन मोर थिंग बिकॉज इंडिया एंड व्हेन वी गेट टू ड्राइव द मैनुअल सिटी आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट टू द रियल सिटी विच इज़ लाइक रश वाला एरिया जहाँ पे बहुत गियर चेंज करने पड़ रहे हैं, बड़ा कुछ करना पड़ रहा है. आई एम टोटली श्योर कि विद दिस CVT ऑटोमेटिक दैट इज सुपर स्मूद एंड सुपर स्वीट टू शिफ्ट गियर, इसके साथ तो बहुत आसान है. बट पिछले स्टीयरिंग के मुकाबले जैसे ये वाला, अब इसमें ये देखो अब आई एम एट 100 बट देर दिस डेड एरिया इन बिटवीन जो पिछली होंडा सिटी में नहीं था. आई डोंट थिंक आपको नॉर्मल ड्राइव पे 120 से ऊपर जाने की जरूरत पड़ती है. ब्रेक्स बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है. इट फील्स सो शार्प. स्पोर्ट गियर, लेट मी सी इफ आई कैन ओवरटेक. नो बहुत ज़्यादा शोर, इसको आराम से चलाओ. Now it's very good, बहुत comfortable, बड़े आराम से. And I think that is how it is meant to drive. So I don't think it's like people are calling it's a driver car. I don't think it's a driver car. It's a total luxurious vehicle. जिसको बहुत आराम से चला सकते हो. And it's totally built for the city, just as its name says. And it is not for speeding up to 140, 150 on highways and covering एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस, कि मैंने 1.5 घंटे में गाड़ी लगा दी, 2 घंटे में गाड़ी लगा दी, जहाँ पे लोगों को 3 घंटे लगते हैं. It's not meant for that. It's meant for taking this car out with your family where everyone is in complete comfort, all the seats are in so much of comfort, every seat calls you in. Matlab aap matlab it's like agar 4-5 gaadiyan khadi hai aur aap kisi group ke sath travel kar rahe ho, you will like yaar mujhe Honda City pe baithna hai. That is how much comfortable this car is. So this is what this car stands for. Ab see I'm at 100 and this is pretty fast, this is pretty okay. Even if I take it to 120 it is pretty smooth, but the moment I start revving it hard
इट फील्स कि नो यार दिस कार से नहीं यार मेरे को इस चीज़ के लिए ना करो. बट फॉर सिटी सेम स्पीड्स का इतना कोई सीन नहीं है. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी लाइट टू ड्राइव, स्टीयरिंग बहुत हल्का है. अब अचानक जैसे वो कट आया कुछ आया, मैं हाई स्पीड पे कट काटने को डर रहा हूँ. सो हैंडलिंग के मामले में आई थिंक पिछली कार वॉज मच बेटर. इट वॉज दिस इज़ मोर सॉफ्टली स्प्रंग. ये ख़राब सड़कों से ज़्यादा अच्छे से निकल रही है. दिस इज़ मोर इंडियनाइज वर्जन. आई थिंक दिस इज़ द बेटर वर्जन दैन दैट. बट अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर स्टिल सेलिंग द प्रीवियस कार. अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, यू विल स्टिल लाइक द प्रीवियस कार. उसके अंदर भी आपको 120 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट कम लगता है. बट आई थिंक दैट इज़ सेम विद बोथ द कार्स. बट दैट विल स्टिल गिव यू अ मच बेटर स्टीयरिंग फीडबैक. दैट विल स्टिल गिव यू मच बेटर कि आप बहुत जल्दी उसको टर्न इन कर सकते हो. उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है. सो बोथ द कार्स आर स्पेशल ऑन देयर ओन फीट एंड दैट इज़ वॉट शुड मैटर. तभी दोनों इकट्ठे सेल हो रही है. कि अगर आपको बहुत लग्जरी और अच्छी चीज़ लेनी है और आपको एक फीलिंग और एक्सपीरियंस लेना है तो इसका उससे मच बेटर है. अब नॉर्मली अगर कोई ज़्यादा अच्छी ड्राइवर्स कार होती तो मैं कम गैप में भी गाड़ी बहुत कॉन्फिडेंटली निकाल लेता. बट इसमें मैं थोड़ा गैप लेके चल रहा हूँ. बट इफ़ यू विल से यार कि मिलिंद हमने दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है या 10 घंटे की ड्राइव है 12 घंटे की ड्राइव है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू पिक दिस कार बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट दैट दिस कार गिव्स. इट इज़ सो कम्फर्टेबल टू ड्राइव एंड सो कम्फर्टेबल टू बी इन. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप भी लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे तो बाकी सीट पर जितने लोग बैठे वो सारे सो जाएंगे. अब ये जरूर हमें थर्ड फील हुआ बिकॉज सड़क थोड़ी ज़्यादा खराब थी, पॉट होल बड़ा था. बट अगर हम ये पिछली सिटी में होते तो उसके अंदर इससे जरूरत से ज़्यादा फील होता है. आई थिंक सारी गाड़ी हिल जाती. सो दिस इज अ डिफरेंस. दिस सस्पेंशन इज मच मोर बेटर ट्यून्ड, मच मोर प्लायंट, नॉट बिल्ट फॉर स्पोर्टी रेसी और वेरी शार्प कट्स, बट डेफिनेटली बिल्ट फॉर मोर कम्फर्ट एंड मोर सॉलिड फीलिंग. आई थिंक दैट इज़ वेयर वी कैन रैप द होल कार. दिस इज़ आई थिंक हाउ इट ड्राइव्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू ड्राइव दिस कार. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया. एंड आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मुझे कभी, अब डेफिनेटली मैंने सियाज लिया तो आई वुड नॉट, मेरा मन नहीं है कि मैं, बट अगर आज से पहले ये गाड़ी आई होती और जब मैंने सियाज लेनी थी तो मैं इसको बहुत तगड़े लेवल पर कंसिडर करता. मैंने पिछली सिटी भी करी थी ऑब्वियसली. सी अब ये स्पीड ब्रेकर से निकली है, अगर यही मैं पिछली सिटी लेके जाता स्पीड ब्रेकर से तो ऐसा लगता सारी गाड़ी हिल गई. बट ये बहुत मज़ेदार तरीके से निकली है. सो दिस इज अ मच मोर मैच्योर व्हीकल एंड दैट यही बहुत सटल डिफरेंसेस है पिछली सिटी और इस सिटी में. सो अगर आपने अकेले ज़्यादा ट्रैवल करना है एंड यू नीड द निम्बल कार यू ड्राइव द, आपको पिछली वाली लेनी चाहिए. बट इफ यू आर लाइक कि चारों को बिठा कर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, सबको कम्फर्ट लगे, किसी को ना लगे यार की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन दिस इज द राइट कार फॉर यू.